नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाजों को आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल मुकाबले में आज सचिन तेंदुलकर की इंडिया लेजेंड्स और दिलशान की श्रीलंका लेजेंड्स की टीम एक दूसरे से भिड़ी। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों इस T20 मुकाबले में सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह की आतिशी बल्लेबाजी ने श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों खासकर युवराज सिंह ने तो इस सीरीज के फाइनल और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना असली रंग दिखा दिया। दोस्तों टॉस हारने के बाद भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी इस सीरीज में आखिरी बार मैदान पर उतरी, लेकिन ये दोनों भारतीय टीम को ज्यादा बड़ी ओपनिंग साझेदारी नहीं दे पाए और पारी के तीसरे ओवर में वीरेंद्र सहवाग 12 गेंदों में 10 रन बनाकर रंगना हैरात के शिकार बन गए। सहवाग के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए बद्रीनाथ भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और उन्हें जयसूर्या ने LBW आउट करके भारतीय टीम को लगातार दो बड़े झटके दिए। लेकिन बद्रीनाथ के बाद बल्लेबाजी करने आए मैदान में T20 इतिहास के सिक्सर किंग यानी कि युवराज सिंह, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला। एक समय पर श्रीलंका की गेंदबाजी के आगे विवश दिख रही भारतीय बल्लेबाज उन्हीं श्रीलंकाई गेंदबाजों पर अब जम के चौके छक्के बरसा रहे थे। इन दोनों ने लगभग 43 रनों की एक बड़ी साझेदारी एक अहम मौके पर भारतीय टीम के लिए बनाई, लेकिन फिर भारतीय टीम को सचिन तेंदुलकर के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगा। सचिन तेंदुलकर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। तेंदुलकर ने 23 गेंदों में 30 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद सभी को लगा कि अब भारतीय टीम डगमगा जाएगी, लेकिन फिर मैदान में बल्लेबाजी करने आए यूसुफ पठान और युवराज सिंह ने श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई करी जिसे देखकर पूरा स्टेडियम युवराज सिंह और यूसुफ पठान के नाम से गूंज उठा। इन दोनों ने इसी बीच अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। युवराज सिंह ने भी 35 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। युवराज सिंह के इस मुकाबले में छक्के देखकर तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। इस मुकाबले में युवराज सिंह किसी नौजवान खिलाड़ी की तरह मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे और वहीं यूसुफ पठान भी अपनी बल्लेबाजी में आक्रामक रवैया दिखा रहे थे। इन दोनों की इसी धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के आगे एक विशाल लक्ष्य रखा। तो दोस्तों आप युवराज सिंह और यूसुफ पठान की इस आतिशी बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।